नमस्कार। रीट परीक्षा से संबंधित जो इंतजार की घड़ियां थी वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी है। लंबे समय से इंतजार करने के बाद आखिर परीक्षा की तिथि घोषित हो जाती है। आज बहुत सारे राजस्थान भर के वे अभ्यर्थी अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर चुके होंगे। आप सभी को बस यही कहना चाहता हूँ, एक बार ये मेरा वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा। इसके अंदर आपको परीक्षा से पूर्व कौन कौन से निर्देश है उस पर ध्यान देना होगा, परीक्षा के अंदर पेपर को कैसे मैनेज करना है इस पर भी आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, तो यहाँ ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आप लोग अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर चुके हैं या फिर अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, सभी अभ्यर्थी एक बार अवश्य देख लें। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो अभ्यर्थी अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं उनको ये बताना चाहूँगा, आप परीक्षा देने जब जा रहे हैं तो आपके पास में परीक्षा से संबंधित जो आवश्यक निर्देश हैं, जैसे आपको बताया गया कि आपका प्रवेश पत्र है या फिर आपका जो है पहचान पत्र है, ये आपके पास में होना चाहिए और इसकी एक फोटोकॉपी भी आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा आपके खुद के भी फोटो अपने पास में रखें। इसके अलावा जो सामग्री आपको नहीं कहा गया है, जैसे पेन के बारे में कहा गया है कि आप पेन लेकर के आ सकते हैं, बॉल पेन आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार की कोई सामग्री परीक्षा केंद्र पर लेकर के नहीं जाएं। जैसे आपको निर्देश दिए गए हैं किस तरह से आपको कपड़े पहनने हैं, किस तरह से आपको जूते पहनने हैं, इसका विशेष रूप से आप ख्याल रखें। वहाँ पर आप बिल्कुल भी किसी से भी बहस ना करें कि ये मेरे देवता का है, ये मेरा मंगलसूत्र है या फिर ये है, ये मैं नहीं उतारूंगा, ये नहीं बदला जाएगा, कौन से संविधान में लिखा हुआ है, वहां संविधान की कॉपियां मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। तो कृपया करके आप लोग अपना भविष्य बनाने के लिए जा रहे हो, किसी से बहस करने नहीं जा रहे हो, तो आप लोग पहले से ही अच्छे तरीके से तैयार होकर के जाएं। जब परीक्षा देने जाते हैं या फिर कोई युद्ध लड़ने जाते हैं तो उससे पहले हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना बहुत जरूरी है। हमें बहुत सकारात्मक रहना अति आवश्यक है। आज देखिए 24 तारीख है और इस 24 तारीख को और 25 तारीख को और 26 तारीख को, ये 3 दिन आपके लिए इतने महत्वपूर्ण है कि पिछले 3 वर्ष में अगर आपने तैयारी की है तो इन 3 दिन के अंदर आप लोग अपने आप को अगर सही तरह से मैनेज नहीं करोगे तो ये आपके की भी मेहनत इन 3 दिन के अंदर 0 हो जाएगी। इन 3 दिनों के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से सावधानी बरतनी होती है। जिस प्रकार से दूल्हे को किस तरह से सावधानियां बरतनी होती है, उसका पूरा सामान लेकर के जाना पड़ता है, कोई भी चीज पीछे नहीं रहनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आपको भी, क्योंकि दूल्हे बनने वाले आप और इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से सावधानी बरतनी होगी। क्या क्या सावधानी आपको रखनी है उस पर भी बहुत सारी बातों पर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखिए, सावधानी की जब हम बात आती है तो यहां पर 2 पैटर्न होते हैं। कोई भी परीक्षा जो पास करते हैं इसमें होता है कि आप लोगों के लिए पूर्व तैयारी, और दूसरी ध्यान रखने योग्य बात यह होती है कि परीक्षा के अंदर समय का प्रबंधन, परीक्षा में समय प्रबंधन, ये बहुत जरूरी है। सफलता के लिए दोनों का कितना योगदान है सर, मैं अगर मानूं तो पूर्व तैयारी का योगदान अगर 50% बता दूं तो इसका भी योगदान आपके 50% ही होगा। दोनों का योगदान बहुत बराबर है। हम लोग क्या गलती कर बैठते हैं, हम लोग पूर्व तैयारी तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत शानदार तरीके से पूर्व तैयारी करेंगे, लेकिन परीक्षा का जो समय प्रबंधन है वे अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। कई बार डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, कई बार हमारा प्रवेश पत्र है वो सही तरह से हम लोग सेंटर नहीं देख पाते हैं तो गलत जगह पर पहुँच जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर इस बार 26 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं और जिला बदल करके जब दे रहे हैं, इतना आवागमन होगा, परेशानियां हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा, निजी संस्थाओं के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वे सराहनीय कदम है और आपको किसी भी तरह की हम समस्या आने नहीं देंगे। हम लोग भी इस कोशिश के अंदर जुटे हुए हैं। तो देखिए, पूर्व तैयारी, अब पूर्व तैयारी तो आपकी हो चुकी है, अब आप पूर्व तैयारी 24 तारीख और 25 तारीख और 26 तारीख, इन दिनों के अंदर आप लोग ज़्यादा पढ़ाई ना करें।
अब पढ़ाई की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर हमारे को पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं, इन दिनों के अंदर आपको टाइम मिलता है थोड़ा बहुत तो जरूर कर दीजिएगा, लेकिन इन दिनों के अंदर ज्यादातर आपको खुश रहना चाहिए, ज्यादातर आपको मस्त रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों से बातें करनी चाहिए जो आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनसे बातें करनी चाहिए। मोटिवेट वीडियो आपको इस समय देखना चाहिए और इस समय हास्य कवियों के जो कवि सम्मेलन है उन कवि सम्मेलन को आपको देखना चाहिए। आनंद के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए और जितना आनंद से रहोगे उतना ही पेपर आपका आनंद से होगा, जितना सकारात्मक रहोगे उतना ही पेपर आपका सकारात्मक होगा और आप सफलता प्राप्त करके और अपने माता पिता को खुशी दोगे, परिणाम भी आपका सकारात्मक आएगा। रहो नकारात्मक परिणाम नकारात्मक, रहिए सकारात्मक तो परिणाम भी कैसा होगा, सकारात्मक होगा। तो यहां तक तो आप लोग 24 तारीख और 25 तारीख को पर्याप्त रूप से आप लोग क्या ले लें, जहां पर भी आप रुके हुए हैं वहां पर अच्छी जगह रुक करके समय पर थोड़ा सा ज्यादा भोजन भी मत लेना, इन दिनों में भोजन पर भी ध्यान रखना, लिक्विड थोड़ा ज्यादा लें, ग्लूकोन-डी पानी की बोतल में डाल के रखें, वे समय समय पर पीते रहें, मेडिकल किट जो है वो अपने पास में रखें। अगर आपको सिर दर्द की ऐसी कोई समस्या है कि इस समय होता है, परीक्षा का एक डर होता है, फोबिया जैसे आपको ये सामान्य कुछ समस्याएं हो सकती है, तो आप लोग मेडिकल किट भी अपने पास में रखें। इसी के साथ साथ में आप लोग पर्याप्त रूप से नींद लें और नींद लेने के बाद में अगले दिन 26 तारीख को प्रातःकालीन सुबह आप 6 बजे जग जाएं और इस समय अगर आप जगते हो तो माइंड आपका काफ़ी फ्रेश रहेगा। अब आपको जो समय पर अगर प्रथम पारी के अंदर आपको अगर कहा गया है कि आपको 8:30 बजे या 8:15 बजे पहुंचना है तो आप उससे भी 10-15 मिनट या आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें। सेकेंड पारी के अंदर जिस समय आपको पहुंचने को कहा गया है उससे भी आप लोग आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें, भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करें और कोशिश यह करें कि कहीं पर भी कोई किसी तरह का कोई विवाद ना करें और जहां जरूरत मिलती है उसी जगह पर आप लोग बैठें। अगर आपको कहीं पर भी सीट नहीं भी मिल रही है तो किसी से भी बहस नहीं करें, क्योंकि बहस करने से आपका मूड खराब हो जाएगा और आपका अगर मूड खराब हो गया तो समझ लीजिए कि आपका पेपर खराब हो जाएगा। इसलिए आप अपने आपको सकारात्मक रखने की पूरी कोशिश करें। अब आप आ चुके हैं कहां पर, परीक्षा के अंदर समय का प्रबंध कैसे करें। देखिए 26 तारीख को, यहां 26 तारीख की मैं बातें बताने जा रहा हूं, 26 तारीख को आप कहां पहुंच चुके हैं, परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके हैं और परीक्षा केंद्र पर जब पहुंचने के बाद में आपने सही जांच कर लिया और उसके बाद में आप अपना जो रूम नंबर है उस रूम नंबर में प्रवेश कर चुके हैं और आपका जो रोल नंबर है और रोल नंबर भी आपने सही तरह से देख लिया है और उसके बाद में आपने OMR शीट की जो पूर्ति है बड़े अच्छे तरीके से कर ली है, फिर उसके बाद में आपने पेपर के सभी पेज मिलान कर दिए हैं कि इसमें से कोई पेज छूटा तो नहीं है, क्योंकि बाद में पेपर बदला नहीं जाएगा। ये सब देखने के बाद में अब आप लोगों के पास में पेपर आपके सामने होगा, अब आपका भविष्य बनने जा रहा है, अब आपको थोड़ा धैर्य रख करके कार्य करना है। आपको यहाँ पर यह नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन हो भी जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इस समय कई सारे विचारों से दूर रहना है। बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आते हैं ना, उन सब विचारों को रोकना है, शांत मन से बिल्कुल धैर्य के साथ में आपको पेपर करना है। अब पेपर का मैनेज किस तरह से करेंगे, हम लोग पेपर मैनेज नहीं करते, इसलिए यहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक आपको पेपर मैनेज करना है। अगर आप लोग लेवल फर्स्ट के अंदर हैं, लेवल फर्स्ट के अंदर आप लोग हैं तो आप चाहें तो गणित को आप पहले कर सकते हैं। शुरुआती दौर में अगर आप गणित करते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होगा और जल्दी से आप उसके उत्तर दे सकते हो, गणित में 100% अंक प्राप्त करें। तो गणित करते समय समय प्रबंधन का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप गणित पहले करते हो तो कहीं ऐसा ना हो कि गणित में उलझे रह गए हो, समय का प्रबंध करें, समय प्रबंधन ध्यान रखें। गणित के जब आप सवाल कर रहे हैं और आपने 25 सवाल कर दिए, अब आपके सामने आपकी OMR शीट आ जाएगी। OMR शीट के अंदर आप लोग क्या करें, आपके चार चार ये जो गोले हैं और इसकी संख्या, प्रश्न संख्या ध्यान रखें। आप लोग गणित पहले कर रहे हो लेकिन जब OMR शीट भरने के लिए शुरू कर रहे हो तो एक नंबर से मत भरना। गणित का जो भी अंक है, मान लो गणित का पहला प्रश्न 91 से शुरू हो रहा है तो इसमें से देख लेना 91 कहां पर है, ये 91 है तो इस पे टिक करना, यहां पर ए है, ये बी है, इस पे टिक करना, ये सी है, छोटे-छोटे बिंदु लगा देना, छोटे-छोटे टिक कर देना और उसके बाद पेपर बंद करके OMR शीट उसके ऊपर रखना और उसके बाद में आप लोग क्या करना, बाहरी गोला भर करके इसको गोले को भर दीजिएगा। ये OMR शीट में गोला भरने की तेज
स्पीड से गोला भरने का एक बेस्ट तरीका है। बाहरी बाउंड्री बनाने के बाद में फिर अंदर की ओर आना, बाउंड्री बनाने एक एक नहीं भरना, कैसे मैंने क्या बताया उसके अंदर टिक कर देना, छोटे 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 टिक करने के बाद में ओमार शीट को पेपर के ऊपर रख दीजिएगा, फिर गोले भर दीजिएगा। फिर अगले में चले जाओ, लेवल फर्स्ट में हो तो आप कौन सा कर दीजिएगा, पर्यावरण, और पर्यावरण में भी इसी तरह से पेपर कर दिया, टिक कर दिए, ओमार शीट में गोले भर दिए। फिर आप चले जाते हो किस पे, लैंग्वेज पे, लैंग्वेज आप फर्स्ट कर लेते हो, लैंग्वेज सेकंड कर लेते हो, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, पहले फर्स्ट कर दी फिर आप गोले भर दीजिए, फिर सेकंड कर दी फिर गोले भर दीजिए, फिर साइकोलॉजी कर दी फिर गोले भर दीजिए। अब पहले राउंड पूरा हो चुका है, सेकंड राउंड में आपको पता चला कुछ प्रश्न हमारे छूट रहे हैं, उन प्रश्नों को भी आपको करना है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। आपको लगे ये प्रश्न मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है, आपकी अंतरात्मा की आवाज जो भी कहती है, पहली आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है, पेपर के अंदर प्रश्न पढ़ते ही सबसे पहले आपकी अंतरात्मा की आवाज कहेगी इसका उत्तर ये होना है, तो फिर आप उसके ऊपर दिमाग ज्यादा लगाएं ना लगाएं, कोशिश यही करें कि उसी को आप उत्तर मान करके आ जाए। कई लोग ये कहते हैं कि आजकल रीट के अंदर प्रश्न करना हो तो लंबे ऑप्शन पे देना चाहिए, वो करना चाहिए, उपयुक्त शब्द ही ज्यादातर सही होता है। मैं ऐसी कोई प्रकार की बात आपके लिए नहीं कहूंगा, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप लोग पेपर को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, प्रश्न को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, उसके बाद उसके ऑप्शन अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जब भी आप प्रश्न पत्र पढ़ रहे होते हैं उसमें पूरा सा ध्यान देकर के ही पढ़िएगा, अच्छे तरीके से अगर ध्यान दोगे, अच्छे तरीके से आप समय का प्रबंध करोगे और बढ़िया तरीके से आप शांत रहोगे, आप जितना हो सके सकारात्मक रहोगे और जितना हो सके आप लोग माइंड फ्रेश रखोगे अपना, उतना ही आपका पेपर अच्छा होगा। इन दिनों में अगर आप चिंताओं से घिरे रहोगे या फिर आप ये सोच रहे मेरा एक टॉपिक पूरा नहीं हुआ, मेरा अभी तक वो टॉपिक मैं पढ़ नहीं पाया, या फिर इस तरह की नकारात्मकता अगर आप लेकर के आप चले जाओगे तो आप सोच लीजिएगा कि आपका पेपर खराब होने वाला है। तो आप कोशिश करें सकारात्मक रहें, अच्छे तरीके से रहें और अच्छा पेपर देख करके आएं। आपके माता पिता ने जो उम्मीदें पाल रखी हैं उस उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करें, लेकिन इस समय किसी प्रकार का अपने ऊपर दबाव ना आने दें। ईश्वर से यही प्रार्थना करें, हे ईश्वर मैंने अच्छे तरीके से मेहनत की है और इस मेहनत का मुझे परिणाम मिलना चाहिए। पेपर मैनेज करते समय, पेपर देते समय किसी प्रकार की चिंताओं से दूर रहें और कोशिश ये करें कि अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं और वहां जाकर के एक बार फिर अपनी सामग्री देख लें। कहा गया बार बार निर्देशों के अंदर कि आपने आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उस डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी भी अपने पास में रखें, इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट का फोटो खींच करके अपने भाई के पास मोबाइल में भेज दें, ताकि आपका अगर मोबाइल वगैरह डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं तो कम से कम दूसरी जगह पर रहेंगे और आप कहीं पर भी ई मित्र में जाकर के वहां से प्राप्त कर सकते हो। हम लोग बाड़मेर के अंदर जो भी अभ्यर्थी बाड़मेर आ रहे हैं उन अभ्यर्थियों के रहने की व्यवस्था, उन अभ्यर्थियों के खाने चाय नाश्ते की व्यवस्था यहाँ की सभी संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं, जिला प्रशासन उनके द्वारा भी की जा रही है और संकल्प संस्थान के द्वारा अधिकतर जितने भी सेंटर होंगे वहां पर जाकर के उन अभ्यर्थियों के लिए चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और नाश्ते की व्यवस्था करवाई जाएगी। हमने भी एक टीम का गठन किया गया है, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से जो भी विद्यार्थी आएंगे उनको किसी तरह की कोई प्रकार की समस्या नहीं हो। हम लोग रात्रि के समय में 25 तारीख को रेलवे स्टेशन वगैरह वहां पर भी उपस्थित रहेंगे, वहां पर भी किसी विद्यार्थी को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए सोने की व्यवस्था करवाई जाएगी, ताकि वो रात को आसानी से बढ़िया तरीके से नींद ले और सुबह जाकर के आप अपना पेपर भी दें। तो आप जहां जिस जगह पर आप पहुंच रहे हो, जगह जहां पर आप जा रहे हो, आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, अच्छे रहना, बढ़िया तरीके से रहना, खुश रहना, आनंदित रहना और पेपर को बढ़िया तरीके से करके आना। मेरी और पूरे संकल्प परिवार की आपको तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।